हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.6। तो दोस्तों, इसके हम लोगों ने 1, 2, 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, साथ में उदाहरण 17 भी कर लिए हैं, क्योंकि ये सब उदाहरण 17 से रिलेटिव थे। लेकिन अब हम लोगों करना है उदाहरण 18, उसमें से रिलेटिव इसके आगे वाले क्वेश्चन आएंगे चौथा। तो दोस्तों, अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, कैसा है कमेंट जरूर बताइएगा। और अगर इसके वाले क्वेश्चन ना देखे होंगे आप लोग और ये भी ना देखे होंगे तो वीडियो बन चुके हैं, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपके साथ कोई पढ़ रहा है तो उसको वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी देख सके। और वीडियो कैसा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो कैसा लगा। ठीक दोस्तों, तो नया हो तो चलो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं इस तरह के और वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द देता रहूँ। ठीक दोस्तों, इसमें हिंदी का भी आता है, तो जैसा कि हिंदी के कार्ड दो पड़े हैं वहाँ से आप लोग देख सकते हैं और आएंगे, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, इसको मैं पहले थोड़ी समझा देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन तीसरा है, ठीक। तो इसमें से 4/x + 3y = 14 समीकरण 1 हम लोगों ने दे दिया, और 3/x - 4y = 23 ये हम लोगों ने समीकरण 2 दे दिया, ठीक। तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, मान लीजिए 1/x, ठीक, जो इस तरह रहेंगे उसे हमें मानना पड़ता है। जेड है तो ये जैसे 3/x, ठीक 3/x = 1, ये इस तरह कर देंगे। इसको हल कैसे करें, जेड कैसे रखेंगे, वही यहाँ पास बताया गया है। तो ये था 3/x, तो 3 को कॉमन ले लिए, 1/x, तो ये इस तरह का बन गया, तो यहाँ पास हमें जेड रख देना, इसलिए 3z, ठीक, इस तरह हो गया। तो हमारा ये समीकरण क्या बन जाएंगे उसको मैं बता देता हूँ, बाकी के आप लोग हल कर सकते हैं। x का मान इतना आएगा और जेड का मान इतना आएगा, इसको पूरा हल करेंगे जब ये दोनों समीकरण बन जाएंगे, उसके बाद जब आप लोग हल करेंगे तो जेड का मान ये आएगा, ठीक। जेड का मान आने के बाद हम इसमें इस तरह हमें बनाना होता है इसके पहले, इसीलिए हम लोगों ने जब इसको 1/x को जेड बस मान लेंगे तो इस तरह बन जाएगा x + p/c, ठीक। तो a रहेगा, एक जगह पे 3 है, x की जगह पे जेड रखेंगे, फिर p वाई, ठीक, इस तरह बन जाएगा। b की जगह पे 4y रखा हुआ है, और इसके जो और क्वेश्चन है वहाँ हम लोगों ने 2-2 माना है। तो अगर आप लोग ना देखेंगे तो वीडियो चैनल में जाएगा, इसके पहले वीडियो हमारे बन चुके हैं, ठीक। और फिर जेड का मान इतना आएगा, फिर जेड का मान रख देंगे इस वाले में समीकरण 1-2 में, तो y का मान आ जाएगा, फिर वही y का मान कितना आएगा, -2, तो उस वाले और जो इतना आएगा, ठीक। तो इसके बाद ये हम लोगों ने माना था 1/x, ठीक, = z, तो z का मान आया है 5, तो 1/x = 5। अब इसका इधर गुणा हो जाएगा इसका इधर, तो ये 1/5 हो गया x, मतलब x = 1/5 और y = -2, ठीक। इस तरह यहाँ पास हम लोगों ने हल किया है, ये विलोपन में, ये प्रतिस्थापन विधि से हम लोगों ने किया थे इसको, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, प्रतिस्थापन विलोपन विधि भी सीख सकते हैं अगर ना बनती होगी, ठीक। इसके आगे हम लोगों ने चौथा क्वेश्चन देखना है हमें, और साथ में उदाहरण 18 देखना है। तो पहले मैं क्वेश्चन 18 पढ़ता हूँ, उदाहरण ये 71 पेज में है। लिखा है, निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर हल कीजिए, ठीक दोस्तों। ये परसाल नहीं था लेकिन इस साल आ गया है, मतलब ये पेपर में आ सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन दिया है, इसको अब हम लोग इसी को हल करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं पूरा बोर्ड साफ कर लिया हूँ, यहाँ ax + by + c = 0 के रूप में हमें बनाना होता है, ठीक, जो दिए हुए थे। तो चलिए पहले लिख लेते हैं क्या दिया है उसमें क्वेश्चन। तो दिया है 5/(x-1) + 1/(y-2) = 2, इसे हम समीकरण देंगे 1। दूसरा देखते हैं, दूसरा भी 2 समीकरण दिए हुए हैं पर इस तरह बटे में दिए रहते हैं, x - 1, हर दोनों का सेम ही रहता है, इसका, ठीक, -3y - 2 = 1, इसे हम समीकरण 2 देंगे।
ठीक दोस्तों, तो हम इसे समीकरण एक दो दे देंगे और ये इस तरह का नहीं है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इस रूप का नहीं है, तो हमें इस रूप में बनाना होगा। तो चलिए देखते हैं, हम लिखेंगे, मान लीजिए जैसा कि यहाँ पास मैं लिखा था अभी, मान लीजिए ठीक, इतना लिखेंगे, वन अपॉन यक्स माइनस वन, इसको बुक में क्या माना है, पी, तो हम लोग भी पी मान सकते हैं या एस टी कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग पी ही मानेंगे ताकि कंफ्यूज ना हो। और वन अपॉन वाई माइनस टू बराबर क्यू, ठीक, इस तरीके से मान रखना पड़ेगा हमें। तो कैसे रखेंगे, तो इसको देखते हैं पहले ऊपर वाले को, तो पाँच है कॉमन ले लिए, वन यक्स माइनस वन इस तरह का बन गया, प्लस वन अपॉन वाई माइनस टू इक्वल टू टू, ठीक। और इसके बाद छः कॉमन ले लिए, वन अपॉन यक्स माइनस वन, माइनस थ्री कॉमन ले लेंगे तो वन अपॉन वाई माइनस टू इक्वल टू वन। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो इसे समीकरण तीन दे देंगे, इसे चार दे देंगे, और या फिर हम लोग इसे कुछ भी ना देंगे लेकिन दे सकते हैं, ठीक, या समीकरण इसे एक दो देंगे लेकिन कुछ दिक्कत नहीं है, एक दो तीन चार कर सकते हैं, ठीक। अब हमें यहाँ पास P और Q रखना, इस रूप में बनाना है, बटे है तो इसे हटा के इस रूप में बनाना है। आगे देखते हैं, पाँच रहेगा, वन अपॉन यक्स माइनस वन की जगह पे P हो जाएगा, प्लस रहेगा चिन्ह, जो चिन्ह होगी वही होगा, वन अपॉन माइनस टू की जगह पे Q इक्वल टू टू, समीकरण पाँच। इसमें भी तो छः, इसके जगह पे पी माइनस है चिन्ह, माइनस तीन थ्री, और क्यू है तो क्यू इक्वल टू वन, इसे समीकरण छः दे दिए, ठीक दोस्तों। तो ये जो हमें समीकरण पाँच और छः मिले हैं, इसे प्रतिस्थापन या विलोपन किसी भी विधि से हमें इसे हल करना है। तो चलिए हम लोग विलोपन देखेंगे, फिर इसके बाद और क्वेश्चन आएंगे, उसे प्रतिस्थापन भी देखेंगे। तो इसे हम विलोपन करते हैं, विलोपन का मतलब विलोपित करना होता है कि पी के गुणांक से पूरे में गुणा किया जाए और फिर ऊपर वाले से पी का गुणांक किया जाए, और अगर क्यू का करते हैं तो ऊपर किया जाए और क्यू का करते हैं तो नीचे, ठीक। इस तरह नहीं किए ऊपर क्यू का गुणांक से कर दिए और नीचे पी से, तो इस तरह नहीं होता, जिससे करेंगे तो दोनों में करेंगे। तो इसके आगे देखते हैं इधर साइड, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो जब सब छोटी देखी जाती है तो इसमें एक है, मतलब गुणा करेंगे वही एक, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे समीकरण पाँच में तीन से, तथा समीकरण, इधर समीकरण लिख दिया मैं, छः में एक से गुणा करने पर, ठीक दोस्तों, एक से गुणा करने पर। तो यहाँ पास अब डायरेक्ट हम लोग लिख लेते क्या होगा, इसका तीन का पूरे में गुणा होगा, तो तीन पचे पंद्रह, फिफ्टीन प्लस पी प्लस, और इसमें कुछ नहीं एक है तो मतलब तीन जाएगा, बराबर तीन दूनी छः। और इस तरह इसका भी करेंगे, एक है सब सेम ही आ जाएंगे, छः पी प्लस माइनस चिन्ह माइनस थ्री क्यू इक्वल टू वन, ठीक। इतना करने के बाद अब हमें इसे जोड़ना या घटाना पड़ता है, ठीक। तो किसी में जोड़ देते हैं, किसी में घटा देते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पास क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि घटाने से जुड़ जाएगा। हमें P या Q का किसी भी मान को यहाँ जीरो करना पड़ता है, तो इसको जीरो करना है तो यहाँ हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस प्लस होगा तभी जीरो होगा। अगर ये यहाँ पास हम प्लस कर दें, घटा देंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जुड़ जाएंगे दोनों, तो फिर किसी का मान नहीं आएगा। हमें यहाँ एक को जीरो करना होता है, तो हम यहाँ पास लिख देंगे जोड़ने पर, क्वेश्चन में तय करके जोड़ने पर। और अगर और समझ में नहीं आ रहा तो इसे और समीकरण दे सकते हैं, सात आठ, फिर लिख देंगे समीकरण सात प्लस चिन्ह बना के समीकरण यहाँ आठ लिख देंगे। इस तरह कर सकते हैं जब यहाँ मानेंगे, और इस तरह कर सकते हैं जब ना मानेंगे, ठीक। हम लोग यही मान वाला कर लेते हैं, मान के, ताकि ज़्यादा समझ में आ जाएगा। समीकरण सात और आठ को जोड़ दिए, ठीक। तो जोड़ने पर चिन्ह हमारी नहीं बदलेंगी, तो ये जीरो हो जाएगा, ये पंद्रह और ये छः जुड़ेंगे,
तो जैसा कि हमें पता है कि 6 और 15 जुड़ते हैं तो 21 होते हैं, ये 0 हो गया बराबर 6 1 7, तो P बराबर 7/21, ये इधर गुणे में था, इधर गया भाग में, हो गया 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, मतलब 1/3, P बराबर हमें 1/3 मिला। ठीक, अब हमें जो ये P का मान मिला है इसे हमें समीकरण किसी में भी रखना है, 7 6 7 8 6 5 4 किसी में भी रखना है, लेकिन हम लोग यहाँ से शुरू किए थे तो इसमें रखेंगे। पी का मान जो हमें मिला तो इसमें या इसमें या इसमें किसी में रख देंगे तो हमें क्यू का मान मिल जाएगा। ठीक, फिर हम लोगों ने यहाँ पी और क्यू माना है तो यहाँ मान पुट करके एक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके आगे, तो हम लोग समीकरण देखते हैं कौन सा सरल है। जैसा कि ये वाला समीकरण हमें थोड़ी सरल दिख रहा है, क्योंकि आप पी का मान रख देंगे तो क्यू का कुछ ना करना पड़ेगा, उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो चलिए इसी को इसी में बना करके देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी क्वेश्चन है इसका काम हो चुका है तो हमें अब इसे साफ कर देना चाहिए। तो इतना साफ कर दिए हैं, इसको भी कर देते हैं, इसका भी काम नहीं है, इसका बस काम रहेगा यहाँ पास जो लिखे हैं। तो दोस्तों जब आप लोग पढ़ते हैं तो रफ लेके पढ़े करिए ताकि लिखते भी जाइएगा। ठीक, आगे देखते हैं, यहाँ पी का मान जो मिला तो हम लिख सकते हैं पी का मान समीकरण। ठीक दोस्तों, ये समीकरण होता है, जैसा कि मैं प्रतिस्थापन विलोपन बहुत बता चुका हूँ, आप लोग ना देखे होंगे तो वो भी वीडियो हमारे चैनल में है। तो यहाँ पास हमें इस तरह लिख देना है कि समीकरण पी का मान समीकरण किस में रख रहे हैं, 5 में, 5 में रखने पर। ठीक दोस्तों, 5 में रखने पर, तो 5 हमारा क्या है, 5p पहले लिख लेंगे प्लस क्यू इक्वल टू 2 लिख लिया। अब p का मान रखना है, p का मान है 1/3, तो 5 1/3 प्लस क्यू इक्वल टू 2, अब ये हो गया तो 5/3 प्लस क्यू बराबर 2, गुणा हो गया। ठीक, अब इसके बाद हमें इसे इधर इधर ट्रांसफ़र कर देना है, 5/3 - 2 = q, इसको इधर कर दे इसको इधर। अब इसका हल करना है हमें, जैसे कि भिन्नों का घटाना होता है, 1 है तो 3 LCM, 3 से 3 कट गया, ऊपर गुणा होगा तो 1 का, तो 5 - 3 गया तो ऊपर गुणा होगा तो 6 3 × 6 बराबर q, ये 3 का इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, लेकिन हमें इसे नहीं करना है कुछ, क्योंकि ये संख्याएं घट जाएंगी। इसके बाद ये घट जाएगा तो आ जाएगा -1/3 = q, तो और आगे हो जाएगा q = -1/3। ठीक, q = -1/3 और p = 1/3। ठीक, इतना आ चुका है। अब हमें इसे क्या करना है, यहाँ पास रख के x और y का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं x और y का मान हम कैसे निकाल पाते हैं। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पास आप लोगों ने क्या देखा कि ये जो इधर प्लस में था तो इधर आया माइनस में हुआ, तो ये भी इधर प्लस में तो इधर गया तो माइनस में ही होगा, तो ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में, तो लास्ट में ये माइनस, तो ये भी माइनस इधर गया तो माइनस माइनस कट गया तो दोनों हो गए प्लस। यहाँ पास जब इसको इधर किए तो माइनस आया, तो ये भी इधर गया तो ये भी माइनस ही होगा, ट्रांसफ़र करने पर दोनों का चिन्ह बदलेगा। ठीक, तो ये माइनस, तो इस तरह हमें 1/3 1/3 दोनों में मिला है। तो अब मान रख के देखते हैं P बराबर और Q बराबर क्या आता है, अब हमें सिर्फ यहाँ रखना है बस। तो चलिए इसको सबको साफ करते हैं और वहाँ मान रख के जल्दी से x y का मान निकालते हैं। ठीक दोस्तों, ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाए, अब हमें इन्हें सबकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पास जैसे कि हमें पता है दोनों में 1/3 आया है, तो यहीं पास पहले देख लेते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, अब लिख सकते हैं अब। ठीक, जैसा कि बुक में भी में लिखा हुआ है कि अब लिखा रहता ना, जब मान रखते हैं कि अब, तो वहीं हम क्या करेंगे, अब लिख लेंगे। अब लिखेंगे ठीक के लिए, अब p के लिए x 1/x-1 पर स्थापित करें। ठीक दोस्तों, ये हमें नहीं लिखना है,
अब लिख दिए। अब यहाँ पास जैसा कि एक था तो एक बटे याक्स माइनस वन बराबर पी के जगह पे हमें एक बटे तीन रख देना है। तो अब ये माइनस एक है, अब इसका इधर तीन का गुणा होगा, जैसा कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इसको इधर करेंगे तो तीन गुणा हो जाएगा, बराबर रहेगा ये पूरा इधर गुणा होगा तो एक है, तो यक्स माइनस वन ही रहेगा, ये बराबर नहीं है, माइनस वन है। जैसा कि ये वाला जो चीज़ था वही हम यहाँ लिख दिए हैं, पी का यहाँ पास सिर्फ मान रख दिए हैं, इस तरह हुआ। अब ये यक्स और इसको इधर उधर करना है तो तीन ये इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो एक बराबर यक्स, तो यक्स बराबर चार और करके इस तरह लिख देंगे, ठीक। क्योंकि यक्स हमारा इधर था चार इधर था, तो आता अब वही कर लेते हैं पूरा ही एकदम, ये आता चार बराबर यक्स, तो हम इसे और करके यक्स बराबर फोर, यक्स इक्वल टू फोर, ठीक, यक्स बराबर चार, इस तरीके से हमें करना है। अब हमें यक्स बराबर चार मिला और बाई बराबर, अब हमें बाई का भी मान चाहिए, तो हमें क्यू का भी मान मिल चुका है, तो हम इसको साफ करेंगे, यहाँ पास क्यू का मान रखेंगे, ये हो चुका है। अब और कर देंगे, अब इसमें रखना है वन अपॉन बाई माइनस टू इक्वल टू, क्यू की जगह पे हमें क्या रखना है, एक बटे तीन ही मिला है। अब इसका तिरियक गुणा हमें करना पड़ता है, इधर करेंगे तो तीन आएगा, बराबर का चिन्ह बराबर, एक में करेंगे तो वाई माइनस टू ही आएगा। अब इसको इधर ले आ लेंगे तो थ्री प्लस टू इक्वल टू वाई, पाँच बराबर वाई, और करेंगे तो y इक्वल टू फाइव, ठीक दोस्तों। तो जैसा कि हमें पता है कि ये वाला क्वेश्चन इसी तरह हल करना है, आप लोग बुक में देख सकते हैं उदाहरण जो उसका आंसर है, तो लास्ट में लिखा हुआ है, आता है दिए गए समीकरण युग्म का अभीष्ट हल x बराबर चार और y बराबर पाँच है, ठीक, जो कि हम लोग ने कैसे किया पूरा समझ में आई होगी प्रोसेस। और बुक का तो जैसा कि आप लोग को पता ही है, वहाँ कुछ भी लिख दिया है, ठीक। तो दोस्तों अब हम इसके 3.6 के 3.6 के तीन क्वेश्चन कर लिए हैं, चौथा क्वेश्चन में बताया था कि उदाहरण 18 के बाद करेंगे, तो हम लोग उदाहरण 18 कर लिए हैं, अब इसका चौथा क्वेश्चन लिखते हैं, फिर इसके बाद अगर ज़्यादा वीडियो लंबा ना होगा तो कर लेंगे, ज़्यादा लंबा होगा तो नहीं भी करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे, ठीक। तो पहले यहाँ पास क्वेश्चन लिखते हैं, जैसा कि आप लोगों के समझ में आया होगा, हमें सबसे पहले क्वेश्चन दिए रहते हैं, मैं उसको लिख के समझाता हूँ, ठीक दोस्तों। और अगर आप लोग हिंदी साइंस सोशल साइंस किसी का भी पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ये वीडियो कैसा लगा, कहाँ गलत है या फिर कहीं डाउट हो रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं दोस्तों इस तरह और वीडियो ला सकूँ, ठीक। अब हम इसके 3.6 के चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं, चौथे क्वेश्चन में है फाइव अपॉन यक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन वाई माइनस टू इक्वल टू टू, समीकरण एक दे सकते हैं। दूसरा है सिक्स अपॉन यक्स माइनस वन इक्वल माइनस थ्री अपॉन वाई माइनस टू इक्वल टू वन, इसे समीकरण दो दे देंगे, ठीक दोस्तों। इस तरह समीकरण एक दो हम मानेंगे, इसके बाद तो ठीक दोस्तों, तो इसके बाद हमें लिखना है कि वही जो मान लीजिए कि अब, क्योंकि हमें इसे हटा के इसके जगह पे कुछ रखना है ताकि इस तरह हमारा बन जाए। यहाँ पास फार्मूले की अगर बात करें तो इसी तरह हमें बनाना पड़ता है, बस यही यहाँ पास फार्मूला लग सकता है, ठीक। अगर सोचेंगे कि फार्मूला यहाँ पास क्या होगा तो इस तरह में बनाना रहता है, ये जो बटे में है इसे इस तरह है। ठीक, तो लिखेंगे मान गलत हो गया, मान लीजिए कि, ठीक, की भी कर सकते हैं, मान लीजिए कि वन अपॉन यक्स माइनस वन इक्वल टू, यहाँ भी पी ही हम मान लेते हैं, पी वन अपॉन बाई माइनस टू इक्वल टू क्यू, इस तरह हम मान लेंगे। और इसको अब हल करते हैं, फाइव कॉमन ले लिए, वन अपॉन यक्स माइनस वन प्लस वन वाई माइनस टू इक्वल टू टू, इतना रहेगा, तीन देंगे।
दूसरा है सिक्स कॉमन ले लिए वन अपॉन यक्स माइनस वन, माइनस थ्री कॉमन लिए वन अपॉन वाई माइनस टू इक्वल टू वन, समीकरण चार। तो इसके बाद अब हमें यहाँ पास रखना है पी और क्यू, तो पाँच की जगह पे रखेंगे फाइव, पी की जगह यहाँ पास रख देंगे पी, प्लस वन अपॉन वाई माइनस टू के स्थान पर हमें क्यू रखना है। इसे हम बोल सकते, ये हम इसे यहाँ पास इस तरह बोल सकते हैं कि वन अपॉन यक्स माइनस वन प्रतिस्थापित पी, मतलब उसके जगह पे हमें पी रखना है, क्योंकि जब वन अपॉन यक्स माइनस वन बराबर है पी के, इस तरह का, ठीक। तो इतना हुआ क्यू, और फिर इक्वल टू टू, यहाँ पास छः पी माइनस थ्री क्यू इक्वल टू वन, ये हुआ पाँच, ये हुआ छः, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पास प्रतिस्थापन विलोपन लगा के हमें हल करना है, इसके बाद यहाँ पास जो मान आएंगे उसे हमें रख के हल करना है, ठीक दोस्तों। तो इसको मैं और बता देता हूँ थोड़ी, अगर वीडियो बंद हो जाता है तो आप लोग इसको पूरा करिएगा, मैं इसको अगले वीडियो में बताऊँगा, और अगर नहीं होता तो इसी में पूरा कवर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या करना होगा। तो दोस्तों आगे अब हम इसे सबको साफ कर देंगे, सिर्फ अब हमें प्रतिस्थापन विलोपन लगा के इसे हल करना है, जो नीचे मिली हुई है हमें दो इक्वेशन पाँच और छः, ये हमें पूरा साफ कर देना है, ठीक। तो दोस्तों अभी हम लोग प्रतिस्थापन से किए हैं, तो इसे भी हम प्रतिस्थापन विधि से ही करते हैं, विलोपन किए दोस्तों। प्रतिस्थापन का मतलब प्रतिस्थापित करना होता है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो वाली ज़्यादा लंबी होती है। ये क्यू को रोक देंगे, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस पाँच पी, फिर क्यू का मान इसमें रख देंगे तो आ जाएगा, ठीक दोस्तों। इसमें एक इक्वेशन ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए हम लोग यही वाला करते हैं। और अगर इसके अगले और क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उसमें हम प्रतिस्थापन भी कर लेंगे, यहाँ पास हम विलोपन करेंगे। तो विलोपन का मतलब विलोपित होता, जैसे मैं बता चुका हूँ, तो इसे यहीं पास विलोपित करते हैं, तीन का पूरे गुणा करते हैं, तो लिखेंगे समीकरण पाँच में तीन का तथा समीकरण छः में एक से गुणा करने पर, ठीक दोस्तों। क्या लिख दिए, ये तीन का हम इसमें पूरे में गुणा कर रहे हैं, तो समीकरण पाँच में तीन का तथा समीकरण छः में एक से गुणा करने पर, या इस तरह भी लिख सकते हैं कि समीकरण पाँच के दोनों पक्षों में तीन का गुणा करने पर, और समीकरण छः के दोनों पक्षों में एक का गुणा करने पर, ठीक, जो कि हम लोग लिख दिए यहाँ पास। आगे देखते हैं, आगे हमें इसे इधर ही गुणा करना है, ठीक। तो क्या होगा कि जब इसका तीन का हो तो पंद्रह पी, ये बिल्कुल उदाहरण अठारह के जैसे हैं, एकदम उसी तरह तीन क्यू बराबर दो, सिर्फ यहाँ संख्या थोड़ी बदली थी, एक मिनट देखता हूँ क्या बदली थी। दोस्तों बदला थोड़ा ही सा था, आप देख लेते हैं क्या था। तो दोस्तों पाँच माइनस वन माइनस टू बराबर दो, छः माइनस फाइव माइनस टू, ये दोस्तों एकदम सेम ही क्वेश्चन है, तब भी हम लोग इसे दोबारा कर लिए, मतलब ये हमें अच्छी तरह आने लगा है, ये क्वेश्चन यहाँ भी है वहाँ भी सेम ही सेम, ठीक दोस्तों। तो अब कर तो लिए इसके पूरा, और कर जैसा कि आप लोग को पता ही है तो आप लोग आगे कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसके अगला करेंगे, क्योंकि ये सेम ही है, यहाँ तक आप लोग दोबारा समझ लिए हैं, तो मैं इसको थोड़ी और समझा देता हूँ, ठीक। तीन दूनी छः, छः पी माइनस थ्री क्यू बराबर एक, ठीक दोस्तों। इसके आगे आप लोग कर सकते हैं, करने के बाद जो मान आएगा यहाँ पास रख देना, ठीक है। हम लोग करेंगे पाँचवा, ठीक दोस्तों। तो पाँचवा अगली वीडियो में करते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो लंबा हो गया, आप इसे एक बार कर लेंगे तो पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों तब तक के लिए वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बताइएगा, लाइक कीजिएगा, आपके साथ जो है उनको शेयर कीजिएगा, और कमेंट में कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अभी बता दूँ कि पाँच छः तक आएगा प्री बोर्ड त्रैमासिक में, तो जैसा कि मैं तीन तक पढ़ा चुका हूँ, ये हमारा तीसरा लास्ट है, तो इसके आगे और पढ़ाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों अभी हमारे में 1K सब्सक्राइब नहीं हुए हैं, जैसा कि इसमें 1K